अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स पालक के, बंद गोभी के, प्याज के और आलू के पकौड़े। क्योंकि आज कराची का मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है, बहुत तेज़ आपको मालूम है जैसा कि बारिश हो रही है, उसमें आज हम आपको पकौड़े बनाना बताएंगे कि कैसे बनते हैं। पकौड़ों के लिए ये हमने एक कप बेसन ले लिया है, इसमें हम शामिल करेंगे एक चमचा साबुत धनिया, ये एक चम्मच जीरे का, एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और ये एक ही चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है क्योंकि बेसन ना बहुत पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, क्योंकि गाढ़े बेसन के पकौड़े कच्चे कच्चे रह जाएंगे। बेसन हमारा अच्छे से मत गया है, इसमें हम इस उस पर एक चम्मच चाट मसाले का शामिल करेंगे और फिर अच्छे से इसको फेंटेंगे। बेसन में हम ये प्याज, ये बारीक बारीक हमने आलू काट लिए हैं और ये बारीक कटा हुआ पालक और ये थोड़ी सी बंद गोभी शामिल करेंगे और ये थोड़ी बारीक हरी मिर्चें कटी हुई हैं, साथ ही ये भी शामिल कर लेंगे। हम हाथ से फैला फैला के थोड़े से डालेंगे, इतने मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, बारिश में खा के इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये पकौड़े हमें मीडियम फ्लेम पे पकाने हैं क्योंकि अगर फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी ये पक जाएंगे, इनका कलर गोल्डन हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। किसी और चीज़ का, ये वैसे ही बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बनके तैयार होंगे।